भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज, राहुल की कप्तानी की फिर होगी परीक्षा। क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में मिली हार के बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की वापसी करने का आज मौका होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज पारल के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के अलावा कप्तान केएल राहुल के दाव पेंच पर भी फैंस की नजरें बनी रहेगी। टेस्ट टीम के कप्तान के दावेदारों में एक राहुल पहले वनडे में कप्तान के रूप में फ्लॉप रहे थे। मौजूदा सीरीज में उनके लिए काफी कुछ दाव पर लगा हुआ है। राहुल के अलावा ने भारतीय बल्लेबाज ने भी पहले मुकाबले में बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया था। आज हारे तो सब हारे। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया को जीत की फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन पहले मुकाबले के दौरान पूरी टीम बिखरी नजर आई। गेंदबाजी में उपकप्तान जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई भी बॉलर बढ़िया लय में नहीं दिखाई दिया। पहले मैच में एक समय पर अफ्रीकी टीम के 68 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाज दबाव बनाने में नाकाम रहे थे और मेजबान टीम ने लगभग 300 का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। टीम इंडिया को अगर दूसरे वनडे में सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजी में सुधार करना होगा, साथ ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी को समझते हुए खेल दिखाना होगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या भारत वापसी कर पाएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।